हेलो बच्चों, आइए आज हम बात करते हैं कि मेटालिक बंड के बारे में। इस वीडियो में मैं आज आपको मेटालिक बंड के बारे में बताने जा रहा हूं और ये मेटालिक बंड क्या होता है, ये मेटल्स के बीच में कैसे फॉर्मेशन होती है और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किस तरह से होता है और कौन कौन से फैक्टर्स इसको कंट्रोल करता है, जो स्ट्रेंथ है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है और ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सारी चीज जो है मैं इस वीडियो में आज बताने पर हूँ। इसीलिए आज बिल्कुल भी आप अपनी जो है कंसेंट्रेशन को, अपनी माइंड को बिल्कुल भी आज इस वीडियो के ऊपर फोकस करना है, ताकि हम क्या करते हैं ना, और ज्यादा से ज्यादा चीज, ज्यादा से ज्यादा आज जो है नॉलेज हम एक्वायर कर सके। और आइए, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैन और मेरा चैनल है डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस है। जरूर आप बिल्कुल इसको लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि जो मुझे एनकरेज और मुझे एनर्जी प्रोवाइड करती है। आइए हम बात करते हैं मेटालिक बंड के बारे में। सबसे पहले बच्चों, अर्ली नाइन्टीज में, कब ना, अर्ली नाइन्टीज में क्या हुआ ना, पॉल ड्रूड करके एक साइंटिस्ट थे। कौन है ना, पॉल ड्रूड करके, DRUDE, पॉल ड्रूड ने एक कंसेप्ट लेकर के आया है जिसको हम कहते हैं कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो किसने क्या कंसेप्ट दिए ना, इसको कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। व्हाट ना, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पॉल ड्रूड ने कंसेप्ट दिए है, दैट इज रिलेटेड टू मेटालिक बंड। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि मेटालिक बंड कहाँ पे होता है, बाकी इसके बीच में होता है। बच्चों जनरली थिंग है कि आप जान सकते हैं कि मेटालिक बंड ओबियसली एक ने मेटल्स के बीच में होती है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम मेटालिक बंड है। हम ये कह सकते हैं ना, इट एग्जिस्ट among bulk of atoms, clear? ये bulk of atoms के बीच में ये metallic bond क्या होता है ना, exist करता है, और जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे, clear? So आइए हम बात करते हैं कि metallic bond कैसे formation होता है और किसके बीच में होते है? ये तो जनरल सी बात है कि मेटल एटम्स के बीच में, बल्क ऑफ, यू कैन से दैट मेटल एटम्स, मेटल एटम्स के बीच में मेटालिक बंड होती है। बट ये कैसे होता है ये जानने के लिए आई हम बात करते हैं ना, यू कैन नोटेड इट ना, इट एग्जिस्ट बिटवीन कर्नेल ऑफ वन एटम। यहां पे हम बात करते हैं कि कर्नेल ऑफ वन एटम एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, क्लियर? आप ये जरूर नोट कर लीजिए ना, ये किसके बीच में एग्जिस्ट करता है ना, कर्नेल ऑफ वन एटम एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा भाई, ये कर्नेल होता क्या है। हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार इस वार्ड को आज सुनने होंगे, मैं क्या बात कर रहा हूं ना, मेटालिक बंड किसके बीच में एग्जिस्ट करता है। आप नोट कर लीजिए ना, कर्नेल ऑफ वन एटम प्लस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, क्लियर? So, मेटालिक बंड इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट होती है। जैसे आप लोग देख रहे, दिस इज कर्नेल है, ये क्या है ना, ये कर्नेल है, KERNEL अगर आप स्पेलिंग से, और दिस इज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मैं इसको यूनिटी लिख सकता हूं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, क्लियर? सो मेटालिक बंड कर्नेल ऑफ वन एटम, एक दिस इज, अगर मैं बात करता हूं, दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, लाइक दिस, और ये बी का इलेक्ट्रॉन है, सी का, ये डी का है, ये ई का है, ये एफ का इलेक्ट्रॉन है, क्लियर? सो इनके बीच में मेटालिक बंड होती है। आप देख सकते हैं ए एटम का कर्नेल और बी के इलेक्ट्रॉन, बी का कर्नेल, सी के इलेक्ट्रॉन, सी का कर्नेल, डी के इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है। तो इसी को हम कहते हैं कि मेटालिक बॉन्ड, दैट इज नोन एज मेटालिक
बर्न। बट बात आता है कि कुछ बच्चों को शायद ये पता है नहीं है, आई डोंट नो, बट मैं ये कह देता हूं कि व्हाट डू मीन बाय कर्नल, कर्नल होता क्या है ना। कर्नल की बात जब मैं डिस्कशन करता हूं, सपोज यू कंसीडर एटम, एटम के बारे में सब आपको पता है, और एटम के अंदर क्या होती है ना, टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है एक दो तरह के होते हैं, एक तरह के जो इलेक्ट्रॉन होती है वो अंदर की तरफ होती है, दैट इज कॉल्ड इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स, और जो बाहर की तरफ होती है इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। सो हम बात करते हैं ना कर्नल क्या है, ना कर्नल क्या होता है, ना ये होता है ना न्यूक्लियस प्लस इनर कोर इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज दिस ना इनर कोर इलेक्ट्रॉन। सो न्यूक्लियस और इनर कोर इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला करके कर्नल फॉर्मेशन होती है, और इस एरिया को अगर हम ओमिट कर देते हैं तो दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है ना, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होती है। सो कर्नल इज व्हाट ना न्यूक्लियस प्लस इनर कोर इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हटाने के बाद जो पोर्शन बच जाता है, पर दिस पोर्शन इज कॉल्ड कर्नल और दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटसाइड का। वैसे स्फेरिकल फॉर्म में होती है, बट मैं आपको समझने के लिए इस टाइप से सेटेड कर दिया हूं, आप समझ सकते हैं। लेकिन सो हम बात करते हैं कि ये मेटालिक बॉन्ड किसके बीच में है ना, कर्नल ऑफ वन एटम एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। इस एटम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बी एटम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। आप ये कह सकते हैं सर ये कैसे हो सकता है, इसकी इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, लेकिन ये बी का जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे ए के पास आ गया है। इस टाइप से आपके मन में कई सारे जो सवाल है या क्वेश्चन है वो आ सकता है। लेकिन आज हम बात करते हैं ये क्या होता है ना, मेटल्स में क्या होती है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वेरी लो होती है। जब आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, जो ए एटम का जो इलेक्ट्रॉन है या बी का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है ना, अपने कर्नल से है कि नहीं, तो इसकी जो कर्नल से थोड़ा हट जाता है, इसका जो इन्फ्लुएंस है न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन है, जैसे एटम ए की जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर चार्ज की जो अट्रैक्शन है, इससे थोड़ा सा लूज जब हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, दूसरे के कर्नल के अट्रैक्शन में आ जाता है। जैसे हम बात करते हैं जो ए इलेक्ट्रॉन बी का इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो ए के कर्नल के कंटेक्ट में आ गया है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज बी का है वो इतना ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ये अपनी क्या होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हट करके, इन्फ्लुएंस से हट करके वो दूसरे एटम की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में एग्जिस्ट होती है, एंड दिस इज नोन एज व्हाट ना, मेटालिक बॉन्ड। सो आई हम बात करते हैं ये जो कर्नल होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक क्या होता है, एक फ्लो बन जाती है, इनमें क्या होती है ना, एक फ्लो की तरह होती है, लाइक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, क्या होता है ना, दिस इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो होती है, लेकिन जिसमें एक पाइप की तरह, एक जैसे ट्यूब की तरह इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो करते रहते हैं। क्लियर। सो आई हम बात करते हैं ये जो कर्नल होता है इनकी पोजीशन कहां होती है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है इनकी पोजीशन कहां होता है ना, जो कर्नल होता है ये लैटिस साइट में होती है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बहुत ज्यादा अगर यहाँ पे भी एक स्फीयर बना दूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं अभी, इरेज करके या मिटा करके यहाँ पे और कर्नल बना रहा हूं, लाइक दिस ऐसे कर्नल में बना दिया हूं, बहुत सारे जो मेटल की कर्नल आप देख रहे हो इस टाइप से मैं कर्नल बहुत ज्यादा बनाया हूं, जो बनाने के थ्रू में क्या होता है, इसीलिए मेटालिक सीट फॉर्म में होता है या एक वायर फॉर्म में होता है, बट एक पूरी एक ही आइटम नहीं होती, ये स्प्रेडेड होती है। हम बात करते दीज आर द कर्नल्स, ये सारे जो है ये कर्नल्स है, आप बिल्कुल भी भूलना नहीं है, और क्या करना है इसको नोट कर सकते हो आप, यू कैन नोटेड इट नाउ। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होती है, लेकिन ये जो एम्प्टी स्पेस आप देखते हो, लेकिन या इंटरस्टिशियल स्पेस आप देखते हो, लेकिन उस जगह में ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उस जगह में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्लियर।
सो हम देख सकते हैं ये जो कर्नेल है ये लैटिस साइट में होती है, कहां पे होती है, नहीं ये लैटिस साइट में होती है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये वॉइड्स और यू कैन से इंटरस्टिशियल स्पेस में होती है, किस में होती है ना इंटरस्टिशियल स्पेस में होती है, और यू कैन से इट इज इन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द कर्नेल्स, क्लियर। अब हम देखते हैं कि क्या होता है, नाखून की पोजीशन के बारे में हमें पता लग गया। अब हम बात करते हैं कि मेटालिक बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन हुआ, किस टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और हम बात करते हैं कि इनकी पोजीशन क्या हुआ, ये सारे बातें अभी मैं बता चुका हूं। अभी मैं और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस समय बताने पर हूं कि आप बिल्कुल भी है कि नहीं पूरी इस वीडियो को अंत तक या एंड तक जरूर देखना है। अब अगर आपको इस कंसेप्ट के ऊपर जितने भी डाउट है, जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग जानने की इच्छा है तो आप बिल्कुल जान पाएंगे। आइए हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट व्हाट ना फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं होती है, दे आर नॉट लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड नहीं होती है, बट दे आर डीलोकलाइज्ड, वो क्या करते हैं दे आर मूवमेंट होती है इनकी, क्या होती है बट दे आर मोबाइल, यू कैन से दैट दे आर मोबाइल, एक जगह से दूसरे जगह को जाते हैं, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करते हैं। अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करूंगा या अप्लाई करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे ना उस करंट को कैरी करके ले जाएंगे, दैट्स व्हाई क्या होता है ना मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। आइए हम आगे की बात करते हैं, आगे की बात क्या होती है ना जो मेटालिक बॉन्ड होता है ये नॉन डायरेक्शनल होती है, जैसे आयनिक बॉन्ड की मैंने पहले वीडियो में बातचीत कर चुका हूं आपसे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनकी प्रॉपर्टीज अगर आपने अभी भी नहीं जाने मेरे जो पुराने वीडियो को मेरे चैनल के अंदर जाकर के सर्च मार दीजिए आयनिक बॉन्ड के नाम में या कोवलेंट बॉन्ड के नाम में या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम में तो आपको मिल जाएगा। आइए हम बात करते हैं ये जो मेटालिक बॉन्ड होती है ये क्या होता है ना इट इज नॉन डायरेक्शनल, क्या होता है ये मेटालिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होती है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है। इसका मतलब क्या है भाई, डायरेक्शन नहीं होता है, मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये कर्नेल है ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, जैसे आयनिक बॉन्ड में होती थी है कि नहीं, तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तो इसीलिए है कि नहीं पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड, तो इसी वजह से मेटल क्या होता है मालिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, क्योंकि फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं हथौड़ा मारता हूं उसको या मैं वायर की तरह खींचता हूं तो सेम ही चीज होती है, मीन्स कर्नेल रहते और इलेक्ट्रॉन क्या उसके चारों तरफ कहीं ना कहीं हो ही जाते, पोजीशन चेंज हो जाता है बट अट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ना इनकी जो अट्रैक्शन है वो बनी रहता है, भले इनकी शेप चेंज हो जाता है, भले इनको आप शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या वायर फॉर्म में खींच करके है कि नहीं आप कन्वर्ट कर, डक्टिलिटी शो करते हैं, मालिएबिलिटी शो करते हैं, बट इनकी है कि नहीं अट्रैक्शन कम नहीं होती है, इनकी अट्रैक्शन बनी रहती है, लेकिन पोजीशन ऑफ कर्नेल एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन उनके बीच में पोजीशन चेंज हो सकता है, इसलिए इनकी शेप चेंज हो जाती है बट अट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट सेम। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो थिंग है कि ये जो मेटालिक बॉन्ड है लेकिन इनकी स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनका स्ट्रेंथ कितनी है लेकिन और कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी चीज मैं अभी इस समय बताने पर हूं। अगर आपने नहीं नोट किया है ये जरूर ये सारी चीज को नोट कर लीजिए अगले रेफरेंस के लिए, जब आप कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, ये जो मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है और ये किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में इस समय बता रहा हूं। लेकिन अगर आपको कोई भी इसके बाद भी अगर कोई डाउट है या कोई न्यू वीडियो आप देखना चाहते हो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करना,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है ताकि जो जो नई नई वीडियो मैं डालूंगा इमीडिएटली बिना देर के आपके पास पहुंच जाए। आई हम बात करते हैं इस समय कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बंड, जस्ट मिनट, इट इज डिपेंड अपन व्हाट, इट इज डिपेंड अपन स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बंड, बट स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बंड, मेटालिक बंड थ्री फैक्टर्स के ऊपर, बच्चों ये जरूर याद रखना, कितनी फैक्टर है ना, थ्री फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कितने फैक्टर, थ्री फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। नंबर वन इज नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। नंबर टू है क्या है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, और जो नंबर थ्री की मैं बात करता हूं ना साइज ऑफ कैटायन, आप जरूर भूलना नहीं है, ये तीन फैक्टर को आप याद रखना है। नंबर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, नंबर टू जो चार्ज है कैटायन के ऊपर उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, नंबर थ्री उसका साइज कितनी है। अगर हम बात करता हूं ना नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं या मैं साइज की बात करता हूं, आपको जरूर यहां पे दिखाई देगा ना, मैं कंपैरिजन आपके सामने रखूंगा कि कैसे ये फैक्टर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करते हैं। आइए हम एक एग्जांपल लेते, सोडियम है जो ग्रुप वन में होती है, सोडियम जो मेटल है Na होती है, क्लियर, और इसके आउटरमोस्ट सेल में एक ही वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो मैं अगर इसको हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन को जब मैं हटा दिया तो ये बन गया Na प्लस और इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया वन इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा जो है ये भी Na प्लस और इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया वन इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली सोडियम का जो है कर्नल है और इसकी चारों तरफ एक ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए दोस्तों क्या होता है ना, जो सोडियम मेटल होता है ना, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके अट्रैक्शन क्या होती है ना, थोड़ा सा कम हो जाती है, और दूसरी बात है इसकी जो साइज है कि थोड़ा बड़ा होता है। अगर मैं मैग्नीशियम की कंपैरिजन करता हूं, एमजी जो ग्रुप टू की होती है, यहां पर क्या होगा ना एमजी प्लस टू और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिमिलरली अनदर एमजी प्लस टू, इसमें भी वैलेंसी में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस टाइप से क्या होता है ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की नंबर यहां पर बढ़ जाता है, बढ़ता है या नहीं बढ़ता है ना, बढ़ता है, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन है, तो जरूर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है, क्या होता है ना, अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम का जो है कर्नल है, लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन हट जाता है, दो पॉजिटिव जब डेवलप होती है, इसकी क्या होती है ना, जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाती है, इसकी साइज छोटा हो जाती है तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। बट अगर मैं सोडियम की बात करता हूं, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जब ये हट जाता है Na प्लस होती है, तो इस कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम दैट प्रेजेंट इन द ग्रुप टू एलिमेंट्स। आइए हम बात करते हैं कि इन दोनों में जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड या इनमें क्या डिफरेंस है। आइए हम बात करते हैं कि जो सोडियम होती है ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इस वजह से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा इसमें कम हो जाता है, और इसी वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाती है, इसको हम कह सकते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट। और जब मैं मैग्नीशियम की बात करूंगा, आज कंपेरेटिवली बट ना कंपेरेटिवली हार्ड देन सोडियम, अगर सोडियम के कंपैरिजन में इसकी जो है क्या होता है ना, जो अट्रैक्शन है थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए इतना सॉफ्ट नहीं होता है जितना ये सोडियम है, बट थोड़ा सा हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सोडियम। सो मैग्नीशियम और सोडियम की बात हम कंपेयर कर सकते हैं, और दूसरी बात साइज ऑफ कैटायन को आप देख सकते हैं, जैसे लेफ्ट टू राइट को हम जाते हैं पीरियडिक टेबल में,
साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। सोडियम का साइज बड़ा होती है और मैग्नीशियम का साइज थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए साइज जब छोटा होती है तो अट्रैक्शन बाय डिस्टेंस कम हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है ना, मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो जो थर्ड फैक्टर को हम देखते हैं यहाँ पे, सॉरी सेकेंड जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहाँ पे प्लस वन है, यहाँ प्लस टू है। तो ये सारे फैक्टर आप देख सकते हो, ये तीनों फैक्टर कैसे, हाउ दे कंट्रोल द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। आइए हम कुछ और बात को आज डिस्कशन करेंगे ना, वो क्या होता है ना, बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ। आपको ये समझ आ गया है कि मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कैसे कैसे वेरी करता है। आइए हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मेटल्स की, या मेटालिक बॉन्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी को हम अगर डिस्कशन करेंगे ना, वो प्रॉपर्टीज खास करके ज्यादा क्या होती है ना, कंडक्टिविटी होती है। लेकिन जो मेटल होता है वो टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी को शो करता है, आइदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर यू कैन सी दैट थर्मल कंडक्टिविटी। सो देयर कंडक्टिविटी टू टाइप्स की होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेटालिक लस्टर भी एक प्रॉपर्टी होती है, और उसके बाद मालियबिलिटी एंड डक्टिलिटी भी होती है। जैसे मैं बात करता हूं कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर में बता रहा था कि ये कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, जस्ट आई प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जस्ट ए मिनट, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो नंबर वन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों शो करता है, जैसे मैंने यहां पे बताया था कि सोडियम है एक कर्नल है और एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है कर्नल है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली थर्ड कर्नल है, थर्ड इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के पाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन से दैट एक ट्यूब ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जो इलेक्ट्रिक करेंट को मैं यहां पे अगर अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं उसको आगे तक कैरी करके ले जाते हैं। तो इसीलिए मेटल्स क्या करता है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। आई हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं बात करता हूं, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। ये थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है ना, जब किसी भी मेटल को हम हीट करते हैं, वो हीट जो है वो क्या करता है ना, दूसरे जगह को ट्रांसफर हो जाता है। अगर मेटल रॉड है, मैं यहां पे हीट अप्लाई किया, ये दूसरे एंड तक क्या होता है, ये हीट चला जाता है। आपके मन में यह आ रहा होगा, सर ये कैसे होता है, चलो मैं इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टिविटी को शो करता है, बट ये जो थर्मल कंडक्टिविटी ये किस टाइप से ट्रांसफर होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है ना। क्या होता है ना, जब एक पॉइंट में मैंने हीट को अप्लाई किया या हीट को सप्लाई किया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, हीट हो जाती है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ना, इंक्रीज हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या करता है ना, इंक्रीज कर जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना, दूसरे इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है, दूसरे से तीसरे को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है। इस टाइप से काइनेटिक एनर्जी और जो हीट एनर्जी एक जगह से मेटल की दूसरे जगह तक पहुंच जाता है। आइए हम बच्चों थर्ड फैक्टर की जो मैं बात करता हूं, दैट इज मालियबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ना मालियबिलिटी का मतलब एक को पीट पीट करके बाय हैमरिंग एक इसको सीट में कन्वर्ट करते हैं, जो डक्टिलिटी है इसको हीट करके हम इसको वायर फॉर्म में खींच लेते हैं। तो ये सारे चीज जो दिखाता है इसी की वजह से, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड जो है ये नॉन डायरेक्शनल है, इस वजह से है कि चाहे इसको हम खींच भी लूं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात किया था इसके बारे में, चाहे इनकी पोजीशन चेंज भी हो जाए लेकिन अट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं होती है, बट शेप चेंज हो जाती है। इसलिए बिकॉज ऑफ द नॉन डायरेक्शनल नेचर मेटल शो मालियबिलिटी एंड डक्टिलिटी। उसके बाद में मैं देखता हूं कि कुछ और जो है प्रॉपर्टी है वो है आपके पास क्या है ना, लस्टर है। मेटल शोज लस्टर। लस्टर कैसे दिखाई देता है, सपोज एक मेटल है, मेटल सपोज दिस इज ए मेटल की लैटिस है, लेकिन मेटल लैटिस से प्रॉपरली मेटल अरेंजमेंट हुए हैं, तो इस वजह से जब ये डे लाइट है बाय नॉर्मल विजिबल रीजन से
क्या करता है ना, एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, किसलिए ना एक्साइट एनर्जी जब इनके ऊपर पड़ता है, लाइट इनके ऊपर पड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए एक्साइट हो जाती है, बात ग्राउंड स्टेट से थोड़ा सा एक्साइटेड स्टेट को चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सर्टन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जर्व करते हैं, फिर बाद में अपने आप को क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से फिर से वापस आ जाता है, जब फिर से वापस आता है तो ये एनर्जी लूज करता है और सर्टन जो जिस वेवलेंथ का लाइट इसने ऑब्जर्व किया था उसको फिर से इमिट कर देता है, जिसलिए वो हमें लस्टर की तरह दिखाई देता है या शाइनिंग करता है। इस टाइप से हम देखते हैं कि फिफ्थ जो है हाई एमपी एंड मेल्टिंग पॉइंट। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट इस वजह से होती है कि कुछ में कम होती है, जैसे सॉफ्ट मेटल है तो उसकी कम होगी, बट मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या करते हैं ना हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। बच्चों मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपको भी कई सारे चीज मेटालिक बॉन्ड के बारे में बताया तो आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा, तो इसलिए आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में है, कि मैं नई नई चीज मैं अबरी वीडियो में एक न्यू थिंग्स आपको देता रहूंगा, आप बिल्कुल भी है कि नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स लिख करके मुझे एनकरेज करते रहना, ताकि मैं आपके लिए न्यू वीडियो एवरी डे में एक न्यू थिंग्स आपके लिए लेकर के आऊंगा, तो इसलिए आप बिल्कुल भी है कि नहीं इस चैनल से दूर नहीं होना है और दूर दूर तक इस चैनल का नाम को दूसरे बच्चों के सामने फैला देना है कि इंडिया की हर गांव तक हर बच्चे तक है कि नहीं ये जो चैनल में जो कंटेंट है वो सब तक पहुंच पाए। थैंक यू बच्चों।